जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं अजय और आज भाई मौसम बहुत अच्छा है। देखिए बारिश हो रही है, सावन का महीना चल रहा है, बारिश होनी तो आम बात है। तो आज मैं आपको बताऊंगा रेड मलेशियन और रेड डीएल के बारे में और जो है मारंडी के बारे में। जो मारंडी की लकड़ी होती है, रेड मारंडी जो होती है, इनमें क्या अंतर होता है, सारी डिटेल बातें आपसे शेयर करूँगा। और रेड मलेशियन की चौखट आपको कब बनवानी चाहिए और कितनी सूख जाए तो बनवानी चाहिए, सारी डिटेल बातें आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। मैं फर्नीचर जुड़ी कंप्लीट नॉलेज देता हूं, फर्नीचर का वर्क भी करवाता हूं। अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रेड डीएल है जिसको रेड मलेशियन भी बोलते हैं। इस लकड़ी का जो कलर होता है बिल्कुल रेड होता है और ये एक ही कलर में लकड़ी आती है। रेड डीएल रेड मलेशियन एक ही कलर में आती है। इसी प्रकार के कलर आपको रेड कलर आपको मिल जाता है। और इस लकड़ी को चौखट अगर आपको बनवानी है तो कम से कम 95% तक इस लकड़ी को सुखा लीजिएगा, उसके बाद चौखट बनवाइएगा, क्योंकि लकड़ी ऐटती बैठती ज़्यादा है और फटती चिटकती भी ज़्यादा है। अगर ये सूखी नहीं होगी, धूप पड़ेगी तो ये लकड़ी बहुत ज़्यादा इसमें फटास आने लगती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये लकड़ी सूख जाए पूरी तरीके से 95% तक, उसके बाद इसकी चौखट बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये मलेशियन साल है, बेस्ट क्वालिटी समझ लीजिए आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बट ये ऊबा एमआर वगैरह से अच्छी नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें फटास चिटकन बहुत आती है। अगर ये गीली होती तो सूख जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बनवा सकते हैं आप चौखट। इनकी लाइफ उतनी ही होगी जितनी कि मलेशियन की टॉप लकड़ियों की लाइफ होती है, क्योंकि मलेशियन साल ये भी है। और मलेशियन साल में आती है रेड मारंडी अपनी, और मारंडी दो प्रकार की आती हैं, दो कलर में आती हैं। एक रेड मारंडी आती है, एक जो मारंडी का कलर होता है हल्का वाइट कलर में होता है। मारंडी की लकड़ी की ना ही आपको चौखट बनवानी है और ना ही आपको जो है आपको डोर्स बनवाने हैं। मारंडी की लकड़ी दो कौड़ी की लकड़ी है। मैं अक्सर आप लोगों से कहता रहता हूँ मारंडी का यूज मत करिएगा। आपको इंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा मारंडी का क्या हाल हुआ है। 7 सालों में मारंडी सड़ गई है। मलेशियन की सबसे बेकार लकड़ी मारंडी है, मलेशियन साल की सबसे बेकार लकड़ी मारंडी है। चाहे वो लकड़ी जो है रेड कलर की हो, चाहे वो लकड़ी जो है वाइट कलर वाली हो, दोनों बेकार लकड़ियां हैं। ये लकड़ी का उपयोग आप कर लीजिए चौखट के लिए, और चौखट के लिए इसका यूज होता ही होता है। तो चौखट के लिए बेस्ट लकड़ी है। और जब ये गीली होती तो देखिए बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, आज भाई देखिए बारिश हो रही है, तो बारिश की जो बूंदें पड़ रही हैं तो गीली गीली लकड़ी जब होगी तो बिल्कुल रेड कलर में आपको इस तरीके से मिलती है। तो ये लकड़ी की चौखट आप बनवा सकते हैं, बट लकड़ी पूरी तरीके से सूख जाए। इसका जो प्राइस है वो 1400 रुपये क्यूबिक फिट है। और जो अपनी मलेशियन की टॉप वगैरह लकड़ियाँ आती हैं वो आपको 1600-1700 रुपये क्यूबिक फीट प्रेजेंट टाइम का रेट में बता रहा हूँ। रेड डीएल या रेड मलेशियन, ठीक है। और जो अपनी मारंडी होती है रेड कलर वाली मारंडी और हल्का वाइट कलर वाली भी मारंडी आती है, दो प्रकार के कलर आते हैं। तो मारंडी की जो लकड़ी होगी वो रेड डीएल से आधे वेट में होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा हल्की होती है मारंडी की लकड़ी, उसकी डेंसिटी बहुत लो होती है। इसकी डेंसिटी बहुत अच्छी है। मान के चलिए अगर इसका वेट जो है वो 1 kg है तो उसका वेट जो होगा वो 400 ग्राम या 500 ग्राम होगा। तो मारंडी की लकड़ी इससे हल्की होती है, आधी हल्की होती है। और जब आप वेट करेंगे, जब आप मारंडी की लकड़ी उठाएंगे सूखी हुई मारंडी तो हल्की मिलेगी, और जब आप इसको उठाएंगे सूखी हुई तो ये आपको भारी मिलेगी, उतनी बड़ी लकड़ी। तो ये चीज़ों से आप पहचान कर सकते हैं। और जो रेड मारंडी होती है उसका जो कलर होता है वह हल्का रेड होता है, और ये जो है बहुत डार्क रेड होती है जो अपनी रेड डीएल या रेड मलेशियन होती है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।